हेलो गाइस दोस्तों, ओल्ड लैपटॉप स्टोर से आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो, वेरी हेल्पफुल वीडियो, विंडोज 10 इंस्टॉल करना और उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने का बिल्कुल आसान तरीका आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को विंडोज इंस्टॉलेशन से लेकर ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन तक आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, क्योंकि आप विंडोज वगैरह तो इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन ड्राइवर इंस्टॉल करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन का सही तरीका जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एच पी लाइट डेस्क 800G1 SFF। इस ब्रांडेड मशीन के साथ आज हम विंडोज 10 इंस्टॉल करना सीखेंगे। विंडोज 10 इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों आपके पास सीडी डीवीडी या बूटेबल पेन ड्राइव वगैरह होना चाहिए। हमारे पास बूटेबल पेन ड्राइव है, हम इसको सिस्टम के साथ अटैच कर देंगे। सिस्टम की पावर ऑन करने के बाद दोस्तों हमें F9 कीज को प्रेस करना है कीबोर्ड से। बूट डिवाइस सिलेक्ट करने के लिए F9 कीज का प्रयोग किया जाता है। प्लीज सिलेक्ट बूट डिवाइस, यहां पर हमारा सोर्स हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हमने बूटेबल पेन ड्राइव इसके अंदर लगाई है जो इसको जनरल नाम से शो कर रही है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहां पर एंटर करेंगे और यह पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप अपने HP के किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप या किसी भी कंप्यूटर्स के अंदर विंडोज 10 इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसी प्रक्रिया से आपको विंडोज 10 सभी में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे सामने विंडोज सेटअप नाम से फोल्डर ओपन होता है, इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। सेटअप इज स्टार्टिंग। यहाँ पर दोस्तों ये विंडोज की वगैरह कुछ प्रोडक्ट की वगैरह मांग रहा है, यहाँ पर हम इसको स्किप कर देंगे। इसके बाद आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट। कस्टम को इंस्टॉल करेंगे, फिर नेक्स्ट। दोस्तों कस्टम यहाँ पर हार्ड ड्राइव के पार्टीशन, किसी भी पार्टीशन में, अलग अलग पार्टीशन में विंडोज वगैरह इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर कस्टम का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 465.3 GB यानी टोटल हार्ड ड्राइव का स्पेस शो कर रहा है। यहाँ पर हम इस हार्ड ड्राइव के पार्टीशन वगैरह बनाते हैं। पार्टीशन देखो, पार्टीशन कैसे बनते हैं इसके अंदर। दोस्तों एक बार जो भी पार्टीशन आपके सामने शो कर रहे हैं इसको हम डिलीट कर देंगे। टैब बटन का प्रेस करेंगे यहाँ पर कीबोर्ड से और यहाँ पर डिलीट को सेलेक्ट किया, एंटर। फिर डिलीट सेलेक्ट किया, ओके, एंटर। अब हमारे सामने सिंगल पार्टीशन, हार्ड ड्राइव का सिंगल पार्टीशन शो कर रहा है। यहाँ पर हम न्यू पे जाएंगे, न्यू को सेलेक्ट करेंगे, एंटर, और फिर टोटल जो स्पेस शो कर रहा है इसको जिस साइज का डिलीट कीज के द्वारा हम इसको यहाँ पर डिलीट कर देंगे और उसके बाद जिस साइज का हमें पार्टीशन बनाना है उस साइज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमें 60 GB का बनाना है, 60+1 2 3 3 0, इसको अप्लाई, ओके। फिर दोबारा न्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जितने का हमें पार्टीशन बनाना है उतना साइज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फिर अप्लाई और फिर नेक्स्ट। स्पेस को सिलेक्ट करेंगे और न्यू को
न्यू पे क्लिक करके हमें इसी पूरे कंप्लीट का पार्टीशन चाहिए तो हम इसको अप्लाई। दोस्तों यहाँ हमारे पास तीन पार्टीशन इस हार्ड ड्राइव के बन चुके हैं। अब हमें विंडो इंस्टॉल करनी है 60 GB वाले पार्टीशन में। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट पे कर्जर को लेकर आएंगे और फॉर्मेट पर आने के बाद नेक्स्ट, फिर ओके पे सेलेक्ट और फिर एंटर। ये हमारा पार्टीशन फॉर्मेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर एंटर कर देंगे ताकि इसके अंदर विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों कुछ प्रोसेसिंग चलती रहेगी और हमारा विंडोज सेटअप यहाँ पर जो स्टार्ट हो चुका है, ये कुछ प्रोसेसिंग के बाद ये विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। दोस्तों आप ये वीडियो ओल्ड लैपटॉप स्टोर से देख रहे हैं। ओल्ड लैपटॉप स्टोर पर दोस्तों सभी प्रकार के ब्रांडेड मशीन ने सीपीयू, ब्रांडेड एलसीडी वगैरह अवेलेबल होती है जो आप ओल्ड लैपटॉप स्टोर से परचेज कर सकते हैं। चलिए जब तक विंडो इंस्टॉल होती है हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों जिस मशीन के अंदर हम विंडोज 10 इंस्टॉल कर रहे हैं उसके साथ की मशीनें हैं। ये एचपी 6300 की मशीनें हैं जो ये आप यहां पर देख पा रहे हैं। दोस्तों ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के साथ इंपोर्ट की मशीनें होती है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से आप एलसीडी परचेज कर सकते हैं, 19 इंच एलसीडी। ये डेल की ब्रांडेड एलसीडियाँ हैं। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट यहाँ से मिलती रहे। दोस्तों ओल्ड लैपटॉप स्टोर पर सभी प्रकार के ओल्ड मॉडल्स के लैपटॉप, ओल्ड लैपटॉप, ब्रांडेड लैपटॉप, इंपोर्ट के लैपटॉप अवेलेबल होते हैं जो आप बेस्ट प्राइस पर ओल्ड लैपटॉप स्टोर यहां से परचेज कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास ये विंडोज ओपन होती है। इसके अंदर हम यूज एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक करेंगे। दोस्तों विंडोज इंस्टॉलेशन प्रक्रिया के अंदर सिस्टम 2 से 3 बार के करीब रिस्टार्ट होता है। इसके बाद ये विंडो ओपन होती है। इसके अंदर हम यूजर नेम, कुछ यूजर नेम डाल देंगे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी नेम डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट,
इस प्रकार दोस्तों हमारा विंडोज 10 का सेटअप कंप्लीट हो जाता है और हमारी विंडोज 10 बिल्कुल सही तरीके से इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। अब इस पेन ड्राइव को रिमूव करेंगे। इसके अंदर हम माई दिस पीसी वगैरह आइकन वगैरह डेस्कटॉप आइकन सेटिंग के अंदर से आइकन लेकर आएंगे। जो जो आइकन हमें लेकर आने हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई, ओके, यहाँ पे स्मॉल आइकन। इसकी जो टास्क बार पर दोस्तों जो आइकन है इनको हम हटा देंगे। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास जो दो पार्टीशन ई और एफ जो शो हो रहे हैं इनको हम फॉर्मेट कर देंगे। जो अनफॉर्मेटेड पार्टीशन होते हैं, जैसे हम विंडो डालते हैं, न्यू पार्टीशन बनाते हैं, अनफॉर्मेटेड पार्टीशन को फॉर्मेट करना होता है। तो चलिए दोस्तों हमारी विंडोज 10 इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद हम अब इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं। विंडोज 10 के ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर नेट कनेक्ट करना है। इसी प्रकार दोस्तों अब हमें विंडोज 10 के ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए अपने पीसी को नेट से कनेक्ट करना है। नेट से कनेक्ट आप ब्रॉडबैंड वगैरह से कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से यूएसबी केबल्स वगैरह लगाकर नेट कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वाईफाई के माध्यम से नेट कनेक्ट कर सकते हैं। नेट कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें इस सिस्टम के अंदर ब्राउजर इंस्टॉल करना है। मोजिला, गूगल क्रोम वगैरह कोई भी एक ब्राउजर इंस्टॉल करना है और उसके बाद उस ब्राउजर को ओपन करना है। दोस्तों ये ब्राउजर ओपन होने के बाद इस जो भी जिस सिस्टम का हम जिस कंप्यूटर का हम जिस कंप्यूटर के ड्राइवर्स डाउनलोड कर रहे हैं उसका मॉडल नंबर हमें यहां पर टाइप करना है। जैसे हमारी इस मशीन का मॉडल नंबर था HP Elite Desk 800G1, इसको हमें यहां पर HP Elite Desk 800G1 HP Elite Desk 800G1 ड्राइवर हम यहां पर टाइप करेंगे। दोस्तों ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं। हम HP की साइट से ड्राइवर डाउनलोड करें या फिर गूगल के माध्यम से किसी अदर साइट से ड्राइवर्स डाउनलोड करें। तो दोस्तों हम गूगल के माध्यम से HP की साइट से ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर ये अलग अलग लिंक्स दिए होते हैं, इनमें से हमें कोई भी एक लिंक चूज करना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और उससे ड्राइवर डाउनलोड करने हैं। तो दोस्तों ड्राइवर बिल्कुल ओके, ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए हम HP की साइट से ड्राइवर डाउनलोड करेंगे जो यहाँ पर हमारा sport.hp.com शो कर रहा है। ये HP की साइट से ड्राइवर डाउनलोड होंगे जिसको हम ये फर्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारी HP की साइट खुल जाएगी। HP Elite Desk 800G1 Small Form Factor PC दोस्तों यहां पर शो कर रहा है ऑल ड्राइवर। विंडोज 10 64-bit हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। HP Elite Desk 800G1 Small Form Factor PC हमारा PC मॉडल नंबर है और इसके अंदर हमने विंडोज 10 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है जो शो कर रहा है। इसी प्रकार इस दोस्तों इस मशीन के सभी ड्राइवर्स यहां पर शो हो रहे हैं। दोस्तों इसके ड्राइवर्स के लिए हमें ग्राफिक्स का ड्राइवर, ग्राफिक्स चिपसेट, ऑडियो, ये तीन ड्राइवर्स और नेटवर्क ब्रॉडबैंड वगैरह का ड्राइवर जरूरी ड्राइवर होते हैं ये।
ग्राफिक्स ड्राइवर पर हम इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों हमने इस मशीन के अंदर इंटेल का प्रोसेसर है हमारा, और यहाँ पर AMD का ग्राफिक्स शो कर रहा है, नीचे इंटेल का शो कर रहा है, इसी प्रकार एनवीडिया शो कर रहा है। हमें इंटेल का ड्राइवर सिलेक्ट करना है। इंटेल के ड्राइवर सिलेक्ट करने के बाद इंटेल को ड्राइवर सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके ओपन लिंक, पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर ये हमारा ड्राइवर्स जो 204 MB 204 MB का ड्राइवर शो कर रहा है, इसको हम सेव कर लेंगे। सेव फाइल पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार हमारी ये डाउनलोडिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। इसी प्रकार दोस्तों हम चिपसेट ड्राइवर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इंटेल चिपसेट सपोर्ट का ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। इसी प्रकार इसके ऊपर राइट क्लिक डाउनलोड के ऊपर और ओपन लिंक, ये 3.6 MB का ड्राइवर शो होगा, जिसको हम सेव फाइल को यहाँ पर सेव कर देंगे और ये फाइल्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार दोस्तों तो चिपसेट के अंदर आप मैनेजमेंट का ड्राइवर डाउनलोड करेंगे, चिपसेट का ड्राइवर डाउनलोड करेंगे, और ग्राफिक्स के अंदर यहाँ पर इंटेल वीडियो का ड्राइवर्स डाउनलोड करेंगे। इसी प्रकार आप ऑडियो का ड्राइवर भी यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ऑडियो का ये सिंगल ड्राइवर शो कर रहा है, इसको आप डाउनलोड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव फाइल पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इस प्रकार जरूरी जरूरी आप यहाँ से 4-5 ड्राइवर डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड होने के बाद आप इनको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों जो डाउनलोड हमने जो ड्राइवर्स डाउनलोड किए हैं वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर हमें मिल जाएंगे। दोस्तों ये सभी ड्राइवर्स हमने डाउनलोड किए हैं। अब इस ड्राइवर्स को आप अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ये ग्राफिक्स का ड्राइवर है, यस नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, इसी प्रकार दोस्तों कुछ प्रोसेसिंग यहाँ पर चलेगी और ये ड्राइवर्स VGA का वीडियो ग्राफिक्स का ड्राइवर हमारा इंस्टॉल हो रहा है। नेक्स्ट और फिनिश। दोस्तों ये रिस्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पर आता है, और हमें इसको रिस्टार्ट पे जो सिलेक्ट है इसको फिनिश कर देंगे और सिस्टम हमारा रिस्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों वन बाय वन आप इसी प्रकार सभी ड्राइवर्स आप इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना, जिसमें आपका साउंड का ड्राइवर, ब्रॉडबैंड लैंड ड्राइवर, VGA ड्राइवर, और चिपसेट से संबंधित USB 3.0 वगैरह आपके चिपसेट के अंदर सभी ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप अपने पीसी के अंदर सभी ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं, और विंडोज 10 इंस्टॉल करने के बाद इसी प्रकार आपका कोई भी पीसी है, कोई भी विंडो आपने इंस्टॉल की है, इसी तरीके से इसी HP की, यदि HP की मशीन है आपके पास, HP का लैपटॉप है तो HP की साइट से, और डेल का लैपटॉप या मशीन वगैरह है, कंप्यूटर है, तो आप डेल की साइट से ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं।
तो थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर और लाइक भी करना। तो थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।